नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देखें रिडक्स की सीरीज, जिसमें आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंबाइन मल्टीपल रिड्यूसर के बारे में, कि हम कैसे कंबाइन करते हैं जो हम अगर मल्टीपल रिड्यूसर क्रिएट करते हैं, एक्शन क्रिएटर क्रिएट करते हैं तो। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके डिस्क्रिप्शन में वीडियो को देख लें, ताकि जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका मिडिलवेयर नाम है। ठीक है, तो आप नोट जैस अगर आपने वीडियो देखा होगा हमारा, तो उसमें मिडिलवेयर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है, मिडिलवेयर का यूज़ क्या है बेसिकली हमारे किसी भी रिएक्ट हो या फिर नोट जैस हो, दोनों में। तो मिडिलवेयर का हम यूज इसीलिए करते हैं दोस्तों कि जो भी हमारे लॉग्स हैं उसको अगर कहीं भी कैप्चर करना हो, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी हो, तो मिडिलवेयर के थ्रू हम उसे कर सकते हैं। लॉग इन के टाइम में अगर कुछ हमें कंडीशन या फिर चेकआउट चेक करनी होती है कि हाँ ये चीज़ कम मतलब हो, ऑथेंटिकेट करे तभी आगे प्रोसेस हो, उस केस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले होता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथ ही फेसबुक पेज पर जाएँ, पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। और दोस्तों, काफ़ी टाइम आप लोग कमेंट करते हैं कि सर गिटहब का लिंक, तो गिटहब का लिंक ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि आप सीधे जाइए github.com/tutorial-website, इस पर जाएंगे तो जो भी कोड हमारे हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जाए रिपोजिटरी में जाइए, रिपोजिटरी में सारे के सारे कोड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी कोड को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने कोड की तरफ जो कि मिडिलवेयर। तो उसके लिए हम चलते हैं कोड एडिटर में, यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो अब तक जितना काम किया था वो यहाँ पे है, जिसमें हमने कंबाइन किया था जो भी हमारे रिड्यूसर्स हैं उनको। तो आज करते हैं मिडिलवेयर। मिडिलवेयर के लिए सिंपल सा स्टेप है, 4 से 5 चीज़ें आपको अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, पहला क्या होता है मिडिलवेयर अगर आपको यूज करना है रिडक्स के अंदर, तो सबसे पहले उसको हम इंपोर्ट करते हैं रिडक्स के अंदर से, सिंपल सा। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट लेते हैं और यहाँ लिखते हैं अप्लाई मिडिलवेयर, MIDLEWARE। ठीक है, ये होता है। अब इसी को रिडक्स से आपको निकालना भी है, तो यानी कि इंपोर्ट करना है, तो रिडक्स डॉट अप्लाई, तो ये हमारा हो चुका है मिडिलवेयर यहाँ पे इंपोर्ट, पहला स्टेप। दूसरा है इसको यूज कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे। तो इस मिडिलवेयर का यूज आपको क्या करना है, आपको नीचे चलेंगे जहाँ पे हम स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इसका यूज होता है। तो बेसिकली इसको हम एक कांस्टेंट बना लेते हैं, इस सबसे बढ़िया, और इसका नाम देते हैं लॉगर का, क्योंकि हम क्या करेंगे अपने लॉग को यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारा ये वर्क कर रहा है ना कि डिस्पैच करने पे कौन सा पहले कॉल हो रहा है, फिर किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो सारा लॉग करके हम देखेंगे। तो इसका नाम देते हैं लॉगर। अब लॉगर के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं अप्लाई मिडिलवेयर, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे अगर याद हो तो हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, अच्छा अप्लाई मिडिलवेयर ही दिया है। ठीक है, इसको मिडिलवेयर भी कर सकते थे। तो अप्लाई मिडिलवेयर आ गया यहाँ पे, तो जो अप्लाई मिडिलवेयर है उसको यहाँ पे एज अ पैरामीटर, हम सेकेंड पैरामीटर यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पूरा कॉपी हो जा रहा है, ऊपर चलते हैं दोबारा से, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ हमें क्या चाहिए, ये वाला वर्ड चाहिए। तो कॉपी किया इसको, चलते हैं नीचे, यहाँ पे रिड्यूसर के बाद, यहाँ पे देखिए ध्यान, जहाँ क्रिएट स्टोर में हमने रिड्यूसर पास किया है ना, उसके बाद अगला पैरामीटर इसको हम एज ए पैरामीटर पास करेंगे। और इसका ये एक फंक्शन होता है, जैसा कि सारे आप फंक्शन देख रहे थे ऊपर फंक्शन ही होते हैं, तो इसको फिर फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर हम पास करेंगे लॉगर, जो कि अभी हमने बनाया नहीं है, बस इसको पास कर दे रहे हैं यहाँ पे एक बार। अब इसको हम कोड करेंगे। लॉगर में बेसिकली क्या होगा कि हमारा क्या होगा, लॉगर पहले जब रन करेगा तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये पैरामीटर लेता है जिसका नाम होगा स्टोर। इसमें हम क्या है, स्टोर की जो भी वर्क होगा, जैसे डिस्पैच हो रहा है तो किस तरीके से ये वर्क कर रहा है फंक्शनलिटी, वो सारा स्टोर के अंदर होगा, तो वो हम पहले लॉक करते हैं। अब ये क्या करेगा, स्टोर एरो फंक्शन के थ्रू यहाँ पे आएगा। अब सपोज स्टोर है तो यहाँ पे स्टोर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा और ये रिटर्न करेगा आपका, ध्यान से यहाँ समझिएगा, रिटर्न क्या करता है, आपको देता है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट भी एक एरो फंक्शन है और एज अ यहाँ पे नेक्स्ट एज अ पैरामीटर, एक तरीके से कहें पैरामीटर पास हो रहा है। ठीक है, ये मतलब सेकेंड पैरामीटर है फंक्शन के अंदर, एक सेकेंड पैरामीटर है, इसको समझना यही चीज़ जरूरी है। ये भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा आपको
कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि होगा एक्शन एज अ पैरामीटर मिलेगा इसमें, इस वाले में। तो एक्शन मिला, एक्शन के अंदर फिर जाएंगे तो एक्शन में फिर क्या आपको मिलेगा, एक रिजल्ट। तो कांस्टेंट लेते हैं आपका रिजल्ट, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे आपको मिलेगा फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको मिलेगा एक्शन, CTION। बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर आपको मैं यहाँ समझाऊँ तो क्या होता है, स्टोर क्रिएट होता है, ठीक है। स्टोर क्रिएट के बाद अगला उस पर चलता है आपका स्टेप होता है यहाँ पे, जो कि डिस्पैच होता है। तो डिस्पैच होने के बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, जैसे ही स्टोर क्रिएट हुआ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, इनिशलाइज होने के बाद अपडेट होगा वैल्यू, फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ गया। तो नेक्स्ट में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे जैसे ही डिस्पैच कॉल होता है तो हमें क्या एक्शन वहाँ पे मिलती है, जिसे हम एक्शन चेक करते हैं। फिर एक्शन चेक होने के बाद हमें क्या करता है, जो भी एक्शन परफॉर्म होता है उसके बाद हमें देता है आपका फिर से रिजल्ट, जो लास्ट मतलब नेक्स्ट ऑप्शन मतलब फिर से अपडेटेड जो डाटा होता है वो आपको मिलता है। तो ये यहाँ से आपको मिलता है। यहाँ पे हम काम करेंगे, एक कंसोल लॉग करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, जिसके अंदर अब हमारा यहाँ पे हम दिखाएंगे कि मिडिलवेयर में क्या कैप्चर हुआ। तो मिडिलवेयर लॉग, MIDDLE, मिडिलवेयर लॉग, ये हम इसको नाम देते हैं, और इसमें हम पास कर देते हैं जो भी रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है एक्शन के होने के बाद, ठीक है। और इसी रिजल्ट को हम रिटर्न भी कराते हैं, ताकि हमारा, क्योंकि आपको पता है लास्ट में हमें रिटर्न कराना ही है वैल्यू, तो रिटर्न करा दिया, यहाँ तक क्लियर है। तो लॉगर हमारा क्रिएट हो गया, जिसमें सबसे पहले क्या एज ए पैरामीटर गया स्टोर, स्टोर के बाद यहाँ पे रिटर्न हुआ नेक्स्ट, नेक्स्ट एज ए पैराम फंक्शन है, फंक्शन मतलब नेक्स्ट फंक्शन ही है बेसिकली। क्या है, स्टोर के अंदर अगर ये एरो फंक्शन है तो इसके अंदर भी कोई वैल्यू यहाँ पे फंक्शन रिटर्न हो रही है, तो उस फंक्शन के अंदर नेक्स्ट एक पैरामीटर है, ठीक है। अभी एरो फंक्शन के अंदर फिर एक अगर रिजल्ट आगा तो रिटर्न होगा, जैसे यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो हमने रिजल्ट रिटर्न कराया, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर में इन दोनों में क्या हो रहा है, रिटर्न एक फंक्शन हो रहा है, तो फंक्शन के अंदर ये जब पैरामीटर पास हो रहा है, इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे ये नेक्स्ट है, ये एक तरीके से यहाँ पे फंक्शन मिला और ये पैरामीटर यहाँ पे मिला है एक्शन। अगर इसके आगे भी कुछ होता तो इसको इसी तरीके से हम पास कर रहे होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अब मिलता है लास्ट स्टेप होता है हमारा, तो अब यहाँ पे रिटर्न हुआ, अब इसको सेव करते हैं, अब इसी को अब रन करा के देखते हैं। सिंपल इतना ही काम है, तीन स्टेप आपको पता है, पहला यहाँ से इम्पोर्ट किया हमने मिडिलवेयर को, दूसरा हम नीचे आए और इस मिडिलवेयर को यहाँ पे हमने क्रिएट स्टोर फंक्शन में एज ए सेकेंड पैरामीटर हमने पास किया मिडिलवेयर फंक्शन, और इसमें हम लॉगर एज ए पास करते हैं जो कि हमने बनाया है। आप चाहे तो लॉगर का इसमें होता है एक NPM के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं माई लॉगर नाम से, ठीक है, उसका भी यूज मैं बता दूंगा कभी, बट यहाँ हमने कस्टम बताया है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है। अब इसको एक बार क्या करते हैं, रन करा के देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगी, क्लियर। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे टाइप लिखेंगे नोट, अब यहाँ पे करेंगे index.js, एंटर किया तो ये देखिए यहाँ पे अब लॉग यहाँ पे बन गया। अब लॉग किस तरीके से वर्क कर रहा है तो आप देखिए बताता हूँ। सबसे पहले जो रन कर रहा था, इसको एक बार ऊपर भी रखते हैं ताकि क्लियर तो हो, ऊपर वाला भी तो दिखे तब तो। अब जैसे यहाँ पे आता है तो सबसे पहले क्या होता है, क्रिएट होता है रिस्टोर, उसके बाद इनिशियलाइज होता है। यहाँ पे कंसोल में हमने लॉग कराया कि इनिशियल स्टेट की वैल्यू क्या है, तो ये देखिए इनिशियल स्टेट की वैल्यू यहाँ पे पहले मिला बुक स्टोर में, नंबर ऑफ बुक कितना है और पेन्स रिड्यूसर के अंदर क्या है नंबर ऑफ पेन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अपडेटेड स्टेट की वैल्यू आती है, तो अपडेट स्टेट में क्या आ रहा है, बुक रिड्यूसर में एक माइनस हुआ ना यहाँ पे डिस्पैच, जब ये कॉल हुआ फर्स्ट डिस्पैच कॉल हुआ तो उसमें क्या बुक कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैप्चर हो रहा है आपका इन्फॉर्मेशन। देखिए अपडेटेड वैल्यू में क्या आया, बुक का नंबर ऑफ बुक एक माइनस हुआ और पेन सेम है। उसके बाद ये देखिए हमारा इस ये जब रन हो गया पहला, ये वाला पहला फंक्शन रन हुआ है, यानी कि एक्शन कॉल हुआ फर्स्ट ये वाला, तो क्या हुआ, एक लॉग जनरेट होगा, मतलब उसमें अब पता चलेगा। ये देखिए फर्स्ट लॉग हमारा जो है मिडिलवेयर ने कैप्चर किया, उसमें क्या बता रहा है कि टाइप जो जा रहा है कौन सा जा रहा है एक्शन का, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या लास्ट में प्रिंट कराया है यहाँ पे, ये देखिए एक्शन, नेक्स्ट में कौन सी जा रही है एक्शन, तो एक्शन को ही हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। तो देखिए एक्शन में टाइप है बाई बुक और पेलोड है माई फर्स्ट एक्शन। अब एक्शन को दिखाएं उसका, तो आपको बाई बुक वाला पहले चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ ताकि ऊपर का भी दिखे, ठीक है। तो ये देखिए एक्शन में था ऊपर में इसका, ये हमने बनाया था जो, ये देखिए टाइप दिया था हमने बाई अंडरस्कोर बुक, पेलोड दिया था हमने इसका माई फर्स्ट एक्शन, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए फर्स्ट लॉग में, ठीक है यहाँ पे।
अब उसके बाद आता है सेकेंड, उसके बाद क्या होती है, फिर अपडेट होता है वैल्यू स्टेट की, जब सेकेंड वाला हमारा कॉल होता है, नीचे करते हैं इसको, जब ये वाला कॉल हुआ तो फिर क्या हो रहा है, अपडेट हो रही है वैल्यू, तो फर्स्ट लॉक क्रिएट हुआ, फिर अपडेट वैल्यू हुआ, बुक रिड्यूसर नंबर ऑफ बुक एक माइनस हुआ एट, फिर पेन की वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे मिडिल वेयर लॉग हो रहा है, ये देखिए मिडिल वेयर को लॉक कर रहे हैं जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे हर मतलब हर एक्शन के बाद, जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ है उसके बाद एक मिडिल वेयर हो रहा है। तो लास्ट एक्शन को एक बार समझ लेते हैं, इसमें पेन का है लास्ट एक्शन में, तो लास्ट के पेन में देखेंगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे लास्ट मिडिल लॉग, यहाँ पे मिडिल वेयर का लॉग यहाँ पे हुआ है, टाइप बाई अंडर स्कोर पेन पेलोड माई सेकेंड एक्शन, और इसमें ऊपर स्टेट की वैल्यू क्या हुई थी, चेंज हुई थी, यहाँ पे देखेंगे अपडेटेड स्टेट वैल्यू, बुक रिड्यूसर में नंबर ऑफ बुक 7 हो गया था जो कि पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था, और पेन रिड्यूसर में नंबर ऑफ पेन्स 9 हो गया था। तो इस तरीके से आपका काम करता है आपका मिडिल वेयर। तो मिडिल वेयर बेसिकली आपको समझ में आ गया कैसे हम डिफाइन करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, और इसमें क्या है बेसिकली समझने वाली जो बातें हैं वो यही हैं कि कैसे मिडिल वेयर को आपको अप्लाई करना है। अब इसका यूज क्या होगा, सपोज कल को अगर हमें, ये तो छोटा सा प्रोग्राम है तो यहाँ पे आपको दिख गया चीज़ें, आपको क्लियर हो रही है, कल को एक बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं ठीक है, उस टाइम आपको अगर एरर आ रही है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये आपको लॉक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब तो समझने के लिए अगर नॉर्मली तरीके से समझें तो मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम इस तरीके का लॉगर बनाते हैं, फिर लॉगर की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने जो भी फंक्शन ये जो हम बना रहे हैं रिड्यूसर के थ्रू, तो इसे हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं इसके प्रोसेस को, और चेक करते हैं कि किस प्रोसेस में कहाँ दिक्कत आ रही है ठीक है। अगर बड़ा प्रोग्राम है तो उसमें फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है ठीक है, तो लॉक करके ही हम वहाँ पे चेक कर पाते हैं कि हाँ जी कहाँ पे कौन सी प्रोसेस में हमें दिक्कत आ रही है, ताकि हम उसको मतलब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और उस क्यूरी या रिजल्ट को हम अच्छे तरीके से डिस्प्ले करा सकें। तो आई होप आपको मिडिल वेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो चलिए बाय बाय, टेक अपना ख्याल रखें।